बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 10 तारीख को एक शासनादेश आदेश जो है वो जारी हुआ है, जिसमें मुहर्रम को भी प्रतिबंधित किया गया है। मैं मौजूदा वक्त की सरकार, जो कि किसी एक व्यक्तिगत समुदाय की सरकार नहीं है, सभी मज़हब के लिए वो सरकार बराबर न्याय करे, हमें उससे यही उम्मीद है। जैसा कि शादियों में अभी आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से परमिशन है, जो आदेश है कि 50 लोग शामिल हो सकते हैं, और शोक यात्रा जैसे कि जनाजे में तकरीबन 50 लोग शामिल हो सकते हैं। जगन्नाथ में अभी आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके से वहां पर भीड़ थी, या और भी हालात में भीड़ अपनी अपनी जगह पर अच्छी तरह से निकली हुई है। जिस वक्त कोरोना आया वजूद में, तो हमारी जो सेकुलर कौम है, इसने पूरी तरीके से यहाँ की सरकार को सपोर्ट किया, उनकी मदद करी, और हमने अपना रमज़ान, अपनी जुमे की नमाज़ें, अपनी अलविदा की नमाज़, ईद की नमाज़, यहाँ तक कि मौलाए कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली का ताबूत भी जो है उसको भी हमने बहुत महदूद हद में मनाया। इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ज़ात से हमारे किसी भी हिंदुस्तानी भाई को नुकसान पहुँचे। लेकिन ये एक ऐसा गम का त्यौहार है कि इसमें हमको कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम अपना खून बहाते हैं, इसमें हम अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं। अगर मेरा बाप मर जाए तो हम उसके ऊपर नहीं रोते हैं, उसका गम भुलाने के लिए हम हुसैन इब्ने अली पर रोते हैं। तो जिस तरीके से और तमाम चीज़ों को इस सरकार ने एक परमिशन दी है, तो मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, और ये हम इससे पहले हमारे मौलाना कल्बे जवाद साहब, जो कि उनका ख़ानदान अपने आप को जो है मकसद हुसैन में वक्फ किए हुए हैं, मौलाना यासूफ अब्बास साहब जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, हम उन लोगों की वजह से आगे निकलकर नहीं आए, और हम चाहते भी नहीं हैं कि सरकार से हमारा टकराव हो। लेकिन इसके बावजूद हम सरकार से ये चाहेंगे कि जो ये महदूद कर दी गई है आज़ादारी, इस चीज़ को ख़त्म करें, और लिमिटेड लोगों के साथ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, हमको हमारे ऐतिहासिक जुलूसों को, ताज़िए अलम को निकालने का हुक्म जारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगी? आप आज के दिन चले जाइए नखास तक, क्या हो रहा है, सोशल डिस्टेंस है क्या? सिर्फ मुहर्रम के जुलूस में ही सोशल डिस्टेंस क्यों नज़र आ रहा है इस सरकार को? कहीं पर आप बताइए कि सोशल डिस्टेंस की कैसी धज्जियाँ उड़ रही हैं। हमारा एक जुलूस जो साल में एक बार आता है, भाई हम भी जागरूक कौम है, ऐसा तो है नहीं कि हम मुर्दार हैं। हमको मालूम है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 100 आदमी 150 आदमी को आप परमिशन दीजिए, उनको मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह के साथ में, उनको एक लिमिटेड दूरी के साथ में आप जुलूस निकालने की। लेकिन जहाँ तक लाखों लोग जाते थे जुलूस में, 100-200 आदमी किस तरीके से? आप ये देखिए कि क्या अलविदा की नमाज़ में कोई निकल के आ गया? अगर परमिशन नहीं थी तो नहीं आया। ईद की नमाज में क्या कोई निकल के आ गया? जब परमिशन नहीं थी तो नहीं आया। हम कभी भी सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो हमको एक लिमिटेड लोगों के साथ बाहर निकलने का आदेश देगी, तो 2-4 इधर या 2-4 उधर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम बेवजह निकल आएंगे, तो हम अपना मुहर्रम ख़राब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारे ऐतिहासिक जुलूस हैं, जैसे उठते चले आ रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको उसी तरीके से वो उठवाए, और पूरी जिम्मेदारी के साथ उठवाए। इस मुद्दे को लेकर के हमने मेल किए हैं, और हम हाई कोर्ट भी गए हैं, हमने PIL दायर करी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि बाद अल्लाह के एक दरबार और भी है जहाँ पे अदल व इंसाफ होता है, वहाँ से भी होगा। और अभी मुझे हार अपनी सरकार से भी नहीं नाउम्मीदी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर हमारा जो जज्बात है, जो हमारा अकीदा है, उससे खेलने की कोशिश नहीं की जाएगी, और हमें मौका दिया जाएगा। अगर आपकी मांग नहीं पूरी की जा रही है, तो आगे आप क्या रणनीति अख्तियार कर रहे हैं? देखिए, आज हमने आप लोगों को बुला के, और मैं दिखा दूं कि मैंने खुद एक उसको कोरोना को देखते हुए बहुत लिमिटेड लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, और बहुत कम लोगों में हम अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन अगर नहीं होती है, तो इसके आगे हम कमिश्नर हाउस जाएंगे। हमें अपनी बात कहने का हक है, अपनी मांग कहने का हक है। हम कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, हम कोई बदमाशी नहीं कर रहे हैं, हम वहां भी जाएंगे, वहां भी बात रखेंगे। लेकिन आज अगर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत का महीना है, इसमें क्योंकि उनको जनाजा नहीं मिला था, उनकी कब्र नहीं बनी थी, तो ये ताज़िए जो हैं उनके जनाजे को ही माना जाता है,
ताजिए को, तो इसका कफन दफन होना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, आप अगर हमें चौक में नहीं रखने देंगे तो हम घर में रखेंगे, लेकिन जो घर में रखेंगे उसमें भी हमारी यात्राएं निकलेंगी, 10 लोग उसे दफन करने जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद ये है कि लखनऊ की आज़ादारी को बहुत ज्यादा महदूद किया जा चुका है, अब कोरोना का बहाना लेते हुए लिल्ला इसको महदूद न किया जाए, आप लोग कम करें, जुलूस ना कम करें। लखनऊ में कई अंजुमन की टीम है, तो इसको कैसे आप मेंटेन करेंगे? मैंने सरकार की तरफ से कोई, देखिए ये बहुत बहुत ही मैं आपके सवाल से मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो आप ये भी देखें कि ये वो कौम है कि जिसने अपनी ईद, अपना रमजान बिल्कुल छोड़ दिया सरकार को सपोर्ट करने के लिए। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम मुहर्रम खराब कर देंगे? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये अज़ाए हुसैन है, ये हुसैन का गम मनाने का महीना है, और इसमें हमारी सारी कौम हमें सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। निकल के हम लोग नहीं बाहर आएंगे, एक लिमिटेड दायरे में, लेकिन जैसे मेहंदी उठती है, जैसे ताज़िया पहली की जरी उठती है, जैसे आर्ट का अलम उठता है, आप उसमें एक गाइडलाइन हमको पेश करें, आप एक अपना जो आदेश है उसमें हमको महदूद करें कि भाई इसमें सिर्फ 1000 आदमी होंगे या 500 आदमी होंगे। अलम क्यों बंद कर रहे हैं? वाई ये क्या प्रॉब्लम है? कहीं किसी जगह का कोई प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा है तो फिर सिर्फ मुहर्रम ही क्यों खत्म हो रहा है हर जगह? मेरा तो सवाल ये है सिर्फ। ये आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से या किसी के गाइडलाइन से आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी शिया हूँ, ये मेरा भी फर्ज है, मैं दूसरों के नचाए हुए रास्ते पे क्यों नाचूंगी? क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? ये मेरे मजहबी मामलात हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी का फर्ज है कि वो निकल कर ये बता दे कि मेरे लिए जिंदगी बड़ी है या हुसैन बड़े। अगर सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिलती तो फिर आपका क्या रवैया? देखिए मेरी ख्वाहिश यही है कि सरकार हमें सपोर्ट करे, हम उससे ना टकराएं। अगर नहीं मिलती है तो फिर तो ये सरकार जानेगी कि क्या होगा। वो जानती है कि ये लखनऊ के शिया हैं, एक शबी नहीं, ना जाने कितनी शबी निकली हैं। यहाँ पे कर्फ्यू भी टूटे हैं, यहाँ पे आलम भी निकले हैं, यहाँ पे सब कुछ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने कोरोना का जिम्मेदार हमारे तबलीगी जमात वालों को बना दिया था, आज दूसरी जमात के ऊपर कोरोना छाया हुआ है, कल आने वाले दिन में ये शिया हजरात को भी कोरोना का जिम्मेदार बना देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुहर्रम हम वैसे ही मनाएंगे जैसी हुसैन इब्ने अली की शान है। इनकलाब।